मंदसौर पुलिस ने 51,000 के एक इनामी कुख्यात अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलोद गांव के रहने वाले अब्दुल पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई स्थानों में 12 अपराध दर्ज हैं। आरोपी अब्दुल 14 वर्षों से फरार होकर नाम बदल बदल कर पहचान छुपा कर अपराधों में निरंतर सक्रिय रहा है। अब्दुल ने फरारी के दौरान अपना नाम अब्दुल कुरैशी उर्फ वसीम उर्फ राजा उर्फ पंकज पोरवाल भी रखा। फरारी के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहचान छुपा कर अपराध कारित करता रहा। आरोपी अब्दुल पिछले 14 वर्षों से मादक पदार्थों का अवैध व्यापार करता चला आ रहा है। अब्दुल, उसके पिता बाबू खां और परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यवसायिक साथियों द्वारा पिछले वर्षों में मादक पदार्थ डोडा चूरा की शासकीय ठेके लेते रहे हैं तथा इन्हीं ठेकों की आड़ में ये मादक पदार्थ की तस्करी के साथ साथ लोगों को डराने, धमकाने, मारपीट और हत्या का प्रयास तथा हत्या कर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाकर मादक पदार्थ तस्करी का व्यवसाय करते हैं। इस मामले में मंदसौर पुलिस ने इस कुख्यात अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर और हत्या के आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का बिल्लोद गांव है, वहाँ एक कुख्यात अपराधी अब्दुल बिल्लोद जो काफ़ी लंबे समय से फरार था, उस पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 12 अपराध पंजीबद्ध थे और 2014 में चर्चित एक डबल मर्डर केस था हाजी मुजीब का, उस पर से भी फरार था। उस अपराध में उसके पिताजी और भाई भी उसमें आरोपी थे, परंतु ये 2007 से ही एक तरह से फरार चल रहा था और इस पर अलग अलग पुलिस द्वारा जो है 51,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। हमारी काफ़ी दिनों से इस पर निगाह थी और हम लोगों ने अथक प्रयास करके इसके बारे में सूचना एकत्र की थी। कल एक अच्छी टिप मिली थी, उस टिप के आधार पर हमने SDOP शेर सिंह भुरिया और SDOP मंदसौर सौरभ कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी अमित सोनी और अमित कुशवाहा और राकेश चौधरी और गिरीश के नेतृत्व में हमने अलग अलग टीम बनाई थी और हमने अच्छी एक व्यू रचते हुए उसमें जब दबिश दी तो हमने उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। घर से उसको गिरफ्तार किया गया, क्या क्या मिला? अभी तो उसके बाद जहाँ तलाशी में जो उसका इस्तेमाल किए हुए फ़ोन वगैरह हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं और हमने चूंकि आज सुबह ही उसे गिरफ्तार किया तो हम इसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। हथियार वगैरह सर मिला? हथियार अभी तक उसके पास से नहीं मिला है, हम उससे जांच कर रहे हैं और पूछताछ करने के बाद जो भी ऐसी स्थिति बनेगी हम उसमें आपको आगे समय समय बताते रहेंगे।